तो ये मशीन ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाए, इसकी वजह से जो प्राइस में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से डिफरेंस इस तरीके से अपनी बैग की एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है भैया, हू मेरा भी है 500 रुपये। दादी हमारे पास ये देख सकते हो। हे गाइस, तो गाइस एक बार फिर से हम आ चुके हैं डीकैथलॉन एसआई हॉस्पिटल, ठीक है, जिस डीकैथलॉन में अभी जाते हैं। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हो जिम के इक्विपमेंट्स, अगर आपको जिम के ग्लव्स चाहिए तो यहाँ पे वो है। एंड यहाँ पे देखो यार, सारे जो है बेसिक से लेके जो भी जिम में चीज़ें हमें चाहिए रहती है ना, यहाँ पे सब कुछ है और सारी चीज़ें जो है प्रीमियम क्वालिटी होने वाली है। ठीक है, तो भैया को मैं बुला दूँ, बाकी भैया हमारी हेल्प करेंगे। वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होती है जिम में, देखो सबसे बेसिक चीज़ होती है ये रूम, ठीक है, 4000 रुपये में 1 रुपये कम ये वाला रोप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया इस मशीन के बारे में बताओ आप पहले। सर ये सबसे बेसिक वाली जो हमारी क्रॉस ट्रेनर होती है 15,000 इसका प्राइस होता है। जो ही इसकी रेजिस्टेंस का जो हमारी मशीन में डिफरेंस आता है वो आता है इनके फ्लाई व्हील का आता है। फ्लाई व्हील होता है कि अंदर जो भी इसके अंदर पार्ट होता है, अच्छा, जो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं इसकी वजह से जो प्राइस में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। फ्लाई व्हील करता क्या है, पेडलिंग स्मूथ कर देता है, प्रोडक्ट का रन टाइम बढ़ जाता है। जितना ज्यादा रन टाइम होगा, जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल होगा, उतनी ज्यादा स्मूथ चलती है प्रोडक्ट। जो इसका फ्लाई व्हील होगा वो इसका 3 KG का फ्लाई व्हील होता है। ऑलराइट, तो ये इस पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन मेंशन है इस साइड, 5 साल की इसकी वारंटी है। 5 साल की सर फ्रेम पे पूरी वारंटी होती है, यहाँ पे नीचे लिखा रहता है 2 ईयर्स की जितनी भी होगी वेरिएबल पार्ट्स पे वारंटी होती है, 5 ईयर्स की पूरी मेटल फ्रेम पे वारंटी। तो सब कुछ वैसे मेंशन ही होता है हर जगह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है मेरे ख्याल से, अब इसमें जो है इसके अंदर पार्ट्स जो होंगे हैवी होंगे सर। जो व्हील होता है वही व्हील का जो साइज होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 KG का इसका फ्लाई व्हील हो जाएगा। प्लस इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर्स मिल जाएंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, वो वाली जो है वो मैनुअल होती है, वो सेल से चलती है। ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। प्लस इसके अंदर हमारे बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जो इसके अंदर का रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है अलग अलग इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे। तो उससे क्या होता है और वर्कआउट अच्छा होता है हमारा। तो इसको तो हम घर में भी रख सकते हैं ना सर, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे हाउस होल्ड ही प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने हमारे यहाँ सारे रखे हैं सब हाउस होल्ड ही होते हैं हमारे पास। ऑल राइट, कल होम बाइसाइकिल एंड सबसे छोटे साइज का मेरे ख्याल से इसका क्या प्राइस होने वाला है? ये सर अभी फिलहाल हमारा ऑफर चल रहा है, ये 10,000 की है, वैसे इसका प्राइस 13,000 है। ये देखो अभी ऑफर प्राइस में है तो ये है सिर्फ 10,000, राइट? हाँ जी, अभी डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ। ऑल राइट, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो अभी आके आप ले सकते हो जल्दी से जल्दी। फिर वही सारी सेम चीज़ है, बस साइज का डिफरेंस होने वाला है मेरे ख्याल से। ये भी सर वही फ्लाई व्हील पे ही काम करता है, जैसे जैसे फ्लाई व्हील बड़ा होता रहेगा प्रोडक्ट उतना स्मूथ होता रहेगा, उतना रन टाइम उसका अच्छा हो जाता है, उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, और ये आ गया कुछ अलग है, ये साइकिल ये भी अलग ही चीज़ है। इसमें मेरे ख्याल से देखो इसमें सेंसर है और इसमें ये स्पिन बाइक होती है। अच्छा, तो ये पूरी मैनुअल होती है, ये बहुत तेज चलाने के लिए होती है। इसका 12 KG का फ्लाई व्हील होता है। अच्छा। अगर आप वहाँ से देखोगे तो उनका 3 KG का, 6 KG का, इतना छोटा होता है। इसमें 12 KG का यूज है, इसका होता है ये बिल्कुल उसे डबल हो जाती है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा जो एथलेटिक लोग होते हैं इनको थोड़ा फास्ट चलाने के लिए चाहिए होती है, तो हम लोगों के लिए भैया बिल्कुल नहीं है ये। ऑल राइट, फिर उसके बाद ये मशीन आ जाती है हमारे पास, ये देख सकते हो बैक के लिए, मेरे ख्याल से ये बैक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको गाइस। ये गए पीछे एंड ये यहाँ से हमने ऐसे पकड़ा, और ये अपना ये इस तरीके से अपनी बैक की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें, ठीक है। और बाकी ये आगे पीछे करने का भी इस तरीके से भी है ना। बिल्कुल सर, ये इस तरीके से ठीक है। ऑल राइट, तो ये अपने आप ही मतलब इसमें बैटरी वगैरह से चलती है क्या ये? सर काइनेटिक एनर्जी जब हम चलाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है हमारे अंदर से, तो उस एनर्जी से ही इसकी जो मोटर होती है वो चार्ज हो जाती है और उसी से चलने लग जाती है ये। ठीक है, बढ़िया। तो आपको कहीं इसको कहीं इलेक्ट्रिसिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फोल्डेबल होती है, इसको खोल दो अगर जब आप कर लो तो ये स्पेस ये कम हो जाएगा। ये देखो अब ये लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी मशीन थी। ये देखो क्या शानदार जादू दिखा दिया हमने आपको, अभी हो गया ना छोटा सा, इतने से एरिया में इतना टेबल भी नहीं होता हमारे घर में, से ज़्यादा स्पेस लेता है। ये देखो अब आगे हमारे पास ट्रेडमिल, और ये है मेरे ख्याल से 40,000 रुपये सबसे छोटे साइज का, ये इसका रोअर का। ओह सॉरी, ये है 40, ये जो भी हमने देखा था ना, ये जो भी हमने देखा था ये 40,000 है। एंड उसके बाद ये ट्रेडमिल आ जाती है हमारे पास बेसिक, सबसे छोटे साइज का यही है, सबसे छोटे साइज की वाली होती है। जो इसका हॉर्स पावर होता है 1.25 हॉर्स पावर की मशीन होती है ये, 900 वॉट्स की मोटर के साथ आती है ये। तो हॉर्स पावर इसकी काफ़ी सही लग रही है मुझे, बाकी 14 किलोमीटर/hr की इसकी टॉप स्पीड होती है। 14 या 14 14 14 14, हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो सिर्फ 14 इसका टॉप स्पीड है, और इसका प्राइस आप देख सकते हो 46,000। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा ये वाला मॉडल आता है, फिर ये है 60,000 रुपीज़। एंड इसमें क्या इसके क्या फीचर्स होने वाले हैं? सर ये पूरी हाइड्रोलिक मशीन होती है, जो इसके आप नीचे देख रहे हो हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, तो जब आप स्टेपिंग करते हो उस पर तो कुशनिंग होती है, तो जब आप हाइड्रोलिक्स पर भागते हो तो वो हल्का सा आपका जो स्टेपिंग होती है ना हल्का सा एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, कम्फर्ट ज़्यादा होगा इसमें, है ना गाइज। ये रही हमारी ट्रेडमिल, ठीक है। भैया इसकी की लेने गए थे, इसमें देखो ये की इस तरीके की आती है, अगर मैं इसको निकाल दूंगा ना
तो ये मशीन ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसकी टॉप स्पीड देख सकते हो, आई थिंक 10 किलोमीटर 16 है, और उसकी जो हमने पहले देखी थी 14 है, ठीक है। और बाकी ये सब सारे जो भी हम यहाँ पे अभी इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं ना, सारे आप जो भी है घर में लगा सकते हो। स्पेशियस भी नहीं है ज़्यादा, कम जगह में ये मशीनें आ जाएंगी। अच्छा ये भी फोल्ड हो जाती है, वाह। ये देखो जैसे ये मशीन लगी हुई है ना भाई, ठीक है। तो ये मशीनें जैसे यहाँ पे हैं ऐसी फोल्ड हो जाएंगी, स्पेस भी कम लेगा। एंड ये इसका क्या प्राइस होगा भैया? सबसे बड़ी है ये वाली जो भी नया मॉडल है, 75,000 रुपीज़ फॉर दिस। एंड इसकी जो है टॉप स्पीड देख सकते हो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये दोनों सेम ही है ना? अच्छा, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो इनको। और उसकी में क्या है, सारा आपका डेटा जितना भी स्टार्ट्स होता है वो सब सेव हो जाता है, और रियल टाइम पे भी आपको दिखाता है वो सारी चीज़ें। तो फ़ोन में हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सर। हाँ, अपनी तो ऐसे जो है ये चेस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है साइज, ठीक है। तो बाकी अटैचमेंट होती है सर आप ना, इंक्लाइन डिक्लाइन मशीन है ये, ठीक है। और ये इसका क्या प्राइस होने वाला है? 20,000 रुपये सर। ये इसका है फोल्डेबल रैक का है। अच्छा, सिर्फ ये इसका है ना फोल्डेबल। अच्छा, ये भी फोल्ड हो जाएंगे क्या? लगा हुआ है इसमें यहाँ पे। अच्छा, तो ये चीज़ भी जो आप देख रहे हो ना, ये भी फोल्ड हो जाती है, ठीक है। एंड ये है अलग बेंच प्रेस, सॉरी क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बेंच है। और इसका प्राइस जो है क्या है, इसका प्राइस 13,000 सर, 13,000 रुपये, ठीक है। ये जो आपको मिलेंगी 13,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद हम इधर चलते हैं। एंड ये मेरे ख्याल से डिप्स, क्या बोलते हैं, डिप्स बार, ठीक है। तो इसमें आप इसको कहीं भी रखो घर में, और इस तरीके से आप डिप्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेट्स भी है हमारे पास। वेट्स की क्या भी है इसमें? रबड़ एंड मेरे ख्याल से, और दूसरा कौन सा? कास्ट आयरन की होती है सर दूसरे वाली। अच्छा, दोनों में भैया डिफरेंस बताओ और प्राइस बताने एक बार। सर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। 2.5 kg, 899। और बाकी ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये है रबड़ का, ठीक है, 5 kg का। तो इस तरीके के आपको वेट्स मिल जाएंगे, छोटे बड़े सब। ये देखो ये कितने किलो के भी है, ये रॉड 1.5 मीटर से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो आपने जो 1.5 वाली मीटर ले रही है, 7.75 केजी की होगी, 2000 की है ना। तो बाकी सर एक्सेसरीज होती हैं, एक्सेसरीज अभी हमने सारे इक्विपमेंट्स तो देख लिए है ना, अब चलते हैं एक्सेसरीज देखते हैं। और ये है मेरे ख्याल से, इसका प्राइस आप चेक कर सकते हो, 40,000 रुपये, ठीक है। ये भी डिजिटल है? हाँ सर, ये सब सेल्फ पावर्ड मशीन होती हैं, सेल्फ पावर्ड मशीन है सब, ठीक है, 40,000। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे सारे जिम के इक्विपमेंट्स, और हम देख चुके हैं ये जैसे स्किपिंग रोप है, ठीक है। और इसका सबसे स्टार्टिंग प्राइस देखो यहाँ पे 99 रुपीज़। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कहाँ है, ये चेक करो, ये चेक करो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो 99 से स्टार्टिंग है, 800 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। 800 वाला कौन सा भैया? ये आई गेस ये वाला सर, ये रोप होता है सर, ये देखो ये है 800 की स्किपिंग रोप, बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही पतले वायर हैं इसके, नाइस प्रोफेशनल सब यूज। आपको बेल्ट भी मिल जाएंगे गाइज, ये देखो जिम के लिए। और ये है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस 1299, ये 499। सबसे चीपेस्ट यही है अपने पास 499 बेल्ट में, और सबसे महंगी वाली बेल्ट होती है सर, और ये सबसे महंगी है। हाँ जी, दो ही बेल्ट आती है, ठीक है, दो तरीके के बेल्ट हैं। यहाँ पे आपको वेट्स मिल जाएंगी, ये देखो 2000 रुपये ये 2000 रुपये वेट के हिसाब से, 5 ये देख सकते हो 1300 रुपये, ठीक है। और ये वाले 4 kg के हैं, तो इसका प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ सारा मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ये एक बार डंबल के यहाँ चेक कर लो, ठीक है। स्ट्रेच मोबिलिटी, ठीक है। और ये सारे मेंशन यहाँ चेक कर सकते हो, 15 kg का ये वाला कलर होने वाला है, येल्लो 25 kg का है, ठीक है। एंड ये ऑरेंज 35 kg तक का वेट जो है संभाल सकता है। एंड उसके बाद ब्लैक वाला 60 kg, ब्लैक कहाँ पर है, ब्लैक है ही नहीं अभी यहाँ पे। डिप्स मारने के लिए ये भी है अपने पास, तो ये रहेगा गाइज इससे डिप्स मारने के देखो 400 रुपये का, ठीक है। एंड उसके बाद ये डिप्स मारने का है, नहीं ये फोर आर्म्स के लिए होना होता है, ये है ये फोर आर्म्स के लिए देखो 500 रुपये, ठीक है। और इसको जो है यहाँ से आप वेट इसका बढ़ा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है, नाइस। और ये है एब्स के लिए, तो ये तो हमारे बस की तो है नहीं। और ये देखो इस तरीके मैट आपको मिल जाएंगे गाइज 1000 रुपये, ठीक है, जिसपे आप योगा वगैरह कर सकते हो। ये जिम के लिए बैग्स वगैरह ले सकते हो 1099, ठीक है। ये सारे इस तरीके बैग हैं, तो ये सारे ऑलमोस्ट हमने जिम के लिए इक्विपमेंट चेक कर लिया है। और ये है बॉक्सिंग के लिए, ये चेक करो, इसका प्राइस जो है यहाँ पे 2000 रुपये, ये सेफ्टी एंड ये हया हु, ठीक है। तो बॉक्सिंग वगैरह में भी ये सब पहनते होंगे लोग, लेल गार्ड। और ये दांतों में जो पहनते हैं, ये देखो
स्पोर्ट्स जो बॉक्सिंग करते हुए जो दांत में पहनते हैं, इसका प्राइस जो है 199। ये चेक करो, खाता हूँ बॉक्सिंग ठीक है 7,000 रुपये, और ये है 2,1499 यानी 1,500 रुपये ठीक है। और ये है बॉक्सिंग ग्लव, सबसे प्रीमियम क्वालिटी, यहाँ पे 3,000 रुपये 2,999। और ये है 2,499 रुपये छोटे साइज़ का। फिर उसके बाद ये बेसिक सबसे नॉर्मल जिसे कहते हैं 899 रुपये ठीक है। और बाकी यहाँ पे साइज़, अगर आपको जिम के लिए इक्विपमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे आओ, अभी डिस्काउंट चल रहा है इनका, और ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। और ये सारा मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ, ये सब जो आप देख रहे हो ना, घर के अंदर आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ये नहीं कि जिम में ही जिम में तो यार महंगी महंगी चीज़ें लगती हैं ठीक है, ये सस्ती सस्ती चीज़ें घर के अंदर आप लगा सकते हो ठीक है। तो गाइस जिम के इक्विपमेंट्स तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है ऑलमोस्ट ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड यहाँ पे देखो ये जो है प्रोटीन मिल जाएंगे आपको ठीक है, इस तरीके प्रोटीन भी रखे हैं, वे प्रोटीन प्राइस। एंड ये शेकर वगैरह भी है 500 रुपये, ये शेकर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी, ये चेक करो, इसमें वेट वगैरह रखते हैं, ये देखो पॉकेट है एंड इसमें जो वेट रख सकते हो आप, और फिर इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। 999 रुपये 999 रुपीज़। ये देखो इसमें आपको कलर भी मिल जाएंगे, ये देखो यार अलग अलग कलर मिलेंगे, और सारे जो हैं ये 1,000 के हैं, ये चेक करो। एंड ये वाला है 1699 यानी 1,700 रुपये। और ये रहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हुआ, लव यू गाइज। यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और स्माइल करते रहें गाइज। एंड मुझे सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर आके फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड एनी हाउ अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लेना यार, लव यू। एंड ये सारी टी शर्ट्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ड्राई फिट्स वगैरह सब कुछ है, ये 699 की टी शर्ट्स मिल जाएंगी। तो ओवरऑल मैं एक बार व्यू, ये देखो स्वेट शर्ट मिल जाएंगे आपको 1699, इतनी प्यारी प्यारी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये चेक करो 899 की ये जैकेट है। एंड ये देखो 2,000 की ये वाली, फिर उसके बाद इसका प्राइस जो है नहीं पता। तो यार टीटी में तो देखो बेसिक चीज़ बस ये टेबल एंड रैकेट एंड बॉल ही होती है, एंड मेरे ख्याल से शूज़ भी होते होंगे भैया स्पेसिफिक शूज़ वो हैं ठीक है। तो ये है, बाकी आप इसके प्राइस चेक कर लो, ये होने वाले हैं प्राइस। सबसे सस्ता है 329 रुपये, और सबसे महंगा जो है मेरे ख्याल से ये 2,000 वाला है ठीक है। सबसे महंगा रैकेट ये है ना 2,000 वाला, कौन सा है ये? ये 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 जो खेल रहे हो आप, ये कौन सा है? ओह सॉरी, ऑल राइट ओके। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो यार, यहाँ पे प्राइस मेंशन है। एंड ये बॉल्स हैं, एंड ये साथ में देखो बॉल एंड रैकेट इसके साथ मिलेंगी, ये इस पे मेंशन है, आप एक बार चेक कर लो ठीक है। ये देखो एंड ये शूज़ है लो इंटेंसिटी डिज़ाइन 1699, ये चेक करो नाइस। तो ये शूज़ होते हैं यार टीटी के लिए, ये चेक करो 2899, ये वाले सारे शूज़ हैं ठीक है 1299 ये वाले।